सादर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरद में। किसान भाइयों, आज एक प्लाट पे आया था जहाँ पे ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। हमारे साथ जो है दो पायलट भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि ड्रोन से कितना फ़ायदा है किसान को और किसान आखिर में ड्रोन से स्प्रे करवाए तो करवाए क्यों। क्योंकि क्या है कि किसान ऐसे एक एकड़ में अगर स्प्रे करता है ट्रैक्टर से या बड़े पंप से तो वो 250 लीटर पानी डालता है और इसमें मात्र 10 लीटर का टैंक लगा है और एक एकड़ में स्प्रे करता है। तो हम खैर बताएंगे ही इसके फ़ायदे, लेकिन पहले तो ड्रोन के जो पायलट हैं उनसे समझ लेते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दसपाली है, आकृति शुगर मिल का स्टाफ हूँ मैं, ड्रोन पायलट हूँ, फसल सेतु से हूँ। अच्छा, और इसके बेनिफिट ये हैं विश्वकर्मा जी, ऐसे रोग लगा है इल्ली का तो उसमें अपन जो घर के पंप वगैरह से डालते हैं तो उसमें क्या सड़क का भी खर्चा, लेबर का भी खर्चा और चलाए कैसे किसान मजदूर जो भी हैं, लेकिन इससे क्या है प्रॉपर चलता है बिल्कुल। अभी हम वीडियो बताएंगे आपको, एक नंबर अच्छे से डलता है और माहू के लिए तो 100% रिजल्ट है इसका। माहू में तो समझ लो इतना प्रेशर से नीचे दवाई जाएगी ना, पता ही नहीं, अभी तक दूसरा पंप तो है ही नहीं इसके मुकाबले। कौन कौन से फसल में किया अभी तक स्प्रे? इसमें मूंग में है, अपने शुगर कैन में है, ए टू जेड सब फसल में है, लगभग सभी फसल में किसान करवा रहा है। किसान करवा रहा, उसका रेट भी बढ़िया है, 350 रुपए पर एकड़ है, ज्यादा इतना भी खर्चीला नहीं है। 350 तो लग ही जाता है बड़े ट्रैक्टर से करने में। किसान दूसरी चीज क्या है कि इस बड़े ट्रैक्टर से या बड़े पंप से कोई स्प्रे करता है किसान तो एक एकड़ में 250 लीटर कम से कम पानी डालता है, इसमें 10 लीटर में कैसे होगा? इसमें 10 लीटर से ऐसा होता है, देख उसमें तो पानी की मात्रा जा रही, दवाई भी उतनी जा रही, लेकिन इसमें क्या सिर्फ दवा ही जा रही, जो किसान को चाहिए वो ही जा रहा प्रॉपर, डालना है वही वो ही जा रहा प्रॉपर। उसमें तो कई बार अपन ने देखा है 500 लीटर के टैंक में नीचे दवा रह जाती नीचे, तो इसमें वो सिस्टम ही नहीं है, पूरा ए टू जेड निकल जाता है। इसमें क्या सिर्फ लिक्विड ही दवा डलवा सकते हैं? लिक्विड ही, टोटल लिक्विड। किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो इसमें लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास तो दवा हो गई आपकी। दूसरी चीज जो है 9 लीटर 8 लीटर पानी, कहने का मतलब कि साफ साफ आपकी इसमें दवा ही डल रही है। दूसरी चीज, इसमें 4 जो है नोजल लगे हैं जो फुहारा नीचे गिरता है, और जो इस जैसे कि इसमें लगा है एक नोजल, एक इधर लगा, एक इधर और एक इधर सामने, 4 नोजल है और इसी पंखे के प्रेशर से वो जो है दवा नीचे गन्ने तक पहुंचाती है, यानी जड़ तक जाती है। जैसे होता है किसी किसी किसान के मन में एक भ्रम रहता है कि क्या ये दवा नीचे जाती है, तो बिल्कुल नीचे तक जाती है क्योंकि इसका प्रेशर ही इतना तगड़ा रहता है कि वो दवा नीचे पत्ती तक या जड़ तक पहुँच जाती है। दूसरी चीज, पूरे प्लाट में बराबर मात्रा में दवा गिरती है तो उसके 100% रिजल्ट आते हैं, और इसका फुहारा इतना बारीक है कि वो पत्ती पे गिरता है, उसी के माध्यम से ये जो है ये दवा को सोख के अपने अंदर कर लेते हैं और जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वैसे आप स्प्रे करते हैं तो 5-6 दिन बाद से रिजल्ट शुरू होता है, इसमें दूसरे तीसरे दिन से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। हम जहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, हमारे साथ महात्मा जी हैं, इनके यहाँ पिछले साल भी इसी प्लाट पे स्प्रे हुआ था और आज भी जो है इसी प्लाट में स्प्रे हो रहा है। इधर नया गन्ना लग गया है, इसमें भी स्प्रे हो रहा है, तो हम महात्मा जी से जानते हैं कि इनको क्या फायदा दिखा जिससे फिर से ड्रोन को बुलाए। राम राम दादाजी। सीताराम, इससे फायदा है जी, एक तो दुरुपयोग नहीं होता दवा का, पहली चीज आदमियों की भी बचत और फसल के लिए बहुत फायदा है। पर साल भी अपन रिजल्ट देगा, जब तुम्हारा जी ने बोला सही डलवाओ, पिछले साल का रिजल्ट अच्छा रहा, इसीलिए तो इससे डलवा रहे हैं। अच्छा, उसमें लेबर भी ज्यादा लगती है, लेबर ज्यादा लगती है, गन्ने में कोई घुसता नहीं है। अच्छा, 2 दिन में दवाई डलती, 2 दिन में लग जाता, 5,000 रुपया लेबर लगती है, कम से कम 350 रुपया दिन आदमी लेता, नहीं सही है ना। और इससे क्या दवाई का दुरुपयोग नहीं, सही दवाई डल रहा है, बराबर डल रहा है, संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, इसलिए तो डलवा रहा, नहीं तो पर साल अगर फायदा नहीं क्यों बुलवाते, सही है ना। तो किसान भाइयों, आपने देखा ड्रोन का फीडबैक भी, किसान भी हैं और संत भी हैं, और इधर सामने मंदिर है, वहीं पर रहते हैं, पीछे मंदिर के पीछे प्लाट है, हम लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता है। तो आप लोगों को भी यदि ड्रोन से स्प्रे करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या ड्रोन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप सामने दिख रहे हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान।